हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि नो कॉन्टैक्ट, जिन लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जो सेपरेशन में चल रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। मैं नो कॉन्टैक्ट का एक सीरीज बनाऊंगी कि क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, फ्यूचर क्या है, मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। तो एक एक करके वो सारे वीडियोज आएंगे, आप देख सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसपे मैंने बनाया है कि वो पहले तो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला पाइल है, ये दूसरा पाइल है, ये तीसरा पाइल है। आपको पता होगा आपको अपने पाइल सेलेक्ट करने हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पाइल। सेकंड पाइल और थर्ड पाइल को हम इसके बाद करेंगे। तो देखते हैं कि जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है नो कॉन्टैक्ट, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा खुन्नस खा के बैठा हुआ है आपसे। थोड़ी नाराजगी इस पर्सन के अंदर है आपको लेकर के। चीजें हैं नो कॉन्टैक्ट में जो है, देखिए ये समहाउ कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आप इनसे सामने से होकर के बात करो या सामने से होकर के चीजें करो, इनको ना करनी पड़े, इनको ना आगे बढ़ करके चीजें करनी पड़े, ये इनके माइंड में चल रहा है। सी, बाहर बाहर से तो एक तरीके से इनकी कोई विश है, कोई चीज है जो कि पूरी हुई है, कोई मेजर प्रमोशन, शादी, घर बनना, कोई बड़ा काम इनके लाइफ में अभी जस्ट पूरा हुआ है, तो उसको लेकर के ये बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट वाली एनर्जी पे मुझे नजर आते हैं। बहुत शो ऑफ के सबके पर्सन है। जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जिनके साथ आपका है, बहुत शो ऑफ किस्म के पर्सन है। बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं कि चलो मेरा सब अच्छा चल रहा है, मेरे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, ऐसा सा आपको दिखा रहे हैं। एंड ऑफकोर्स उनके लाइफ में अभी जो है वो चीजें अपने उनके पर्सनल लाइफ में अच्छी मूव कर रही हैं, अच्छे तरीके से मूव कर रही हैं, जल्दी मूव कर रही हैं, तो उनको इतना वक्त नहीं मिल रहा है कि वो ज्यादा कुछ आपके बारे में सोचे। अब जब ये पर्सन अकेला होता है, ओके, तब ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक लोनलीनेस इनको फील होता होगा, क्योंकि दिखावे के लोग बहुत सारे हैं इनके पास, मगर असलियत में जो लोग हेल्प करें या असलियत में जो लोग साथ दें, उस टाइप के लोग नहीं हैं इनके पास। जो असली लोग होते हैं ना कि अच्छे लोग, उस टाइप के लोग नहीं हैं इनके पास। ये चीज़ अब इनको थोड़ी सी रियलाइज होती होगी कि लाइक गुड पीपल आर नॉट अराउंड, अच्छे लोग आजू बाजू में नहीं हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को यहाँ पे कहीं ना कहीं रियलाइज होती होगी, अकेलापन महसूस होता होगा। नो कॉन्टैक्ट में होने के वजह से अकेलापन इनको महसूस होता है। फिर भी इनका ईगो इतना बड़ा है इनके अंदर, मतलब इस पर्सन के अंदर इतनी सारी चीजें भरी हैं आपको लेके, ये आपको सेल्फिश समझते हैं या इनको लगता है कि आप बस अपने बारे में सोचते हो, आप किसी और के बारे में नहीं सोचते। ओके, तो इस वजह से ये जो है ये झुक करके आपके पास नहीं जाना चाहते हैं, झुक के आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। समवेयर इनको वेट है कि आप ही आओगे। सी, आप अपने जिंदगी में कितने भी मस्त हो जाओ या आप अपने लाइफ में ऐसे हो जाओ कि चलो मैं अपना अपना देखूंगी, सोचूंगी या करूंगी, मगर ये पर्सन आपकी तरफ देखता रहेगा। लाइक ये पर्सन आपको ऑफ माइंड नहीं करेगा, माइंड से नहीं निकाल सकते हैं ये आपको टोटालिटी में। आप इनके माइंड में चलोगे जरूर। अब ऐसा है कि वो आपको समझेंगे कि आप नेगेटिव हो, आपके वजह से उनको दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, आपकी वजह से उनको लोनलीनेस में जाना पड़ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मगर इनका ईगो, इनकी
इनका खुद का जो एक वो होता है ना, पर्सन का अपना अंडरस्टैंडिंग, वो चीज इनको कहीं ना कहीं रोकती है आगे बढ़ने से। आप दोनों के बीच में कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि आप दोनों के रिश्ते को ब्रेक कर रहा हो, जिसके वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा हो। मे बी फैमिली का कोई पर्सन हो जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है आगे कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट मुझे मैरिज टाइप का भी एक सिचुएशन नजर आता है किसी किसी के पार्टनर का, कि मैरिज या तो हो रही है या तो हो गई है, इस टाइप के मुझे कुछ सिचुएशंस नजर आते हैं। ओके, सो एक हैप्पी सिनेरियो जो है ना, था ना आपके साथ। ये रिवर्स कार्ड था, मैं रिवर्स में ही रीड करूंगी, मैंने रखा सीधा है आपके देखने की सुविधा के लिए। तो एक हैप्पीनेस वाली जो चीज थी ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है इस पर्सन के लाइफ से। ये फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस ले रहे हैं, हालांकि फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस ले रहे हैं मगर लॉन्ग टर्म में उसका इनको फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है। लोग इनसे अपना मतलब निकालेंगे और इनको साइड कर देंगे, और इनका जैसा नेचर है ना, ये अभी जिसको अपना दोस्त समझ रहे हैं वो लोग इनके असलियत में दोस्त हैं ही नहीं, वो बस इनका माइंड अलग कर रहे हैं, बस इनको वो चीजें दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, जो वो बताना चाहते हैं, या वो जो वो समझाना चाहते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखते हो ना, तो आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं कि भाई हम क्यों करें, हम क्यों आगे बढ़ें, हम क्यों आगे बढ़ करके ये कुछ भी करें। उनको चाहिए कि आप आगे बढ़ो, उनको इस चीज का इंतजार है कि आप आगे बढ़ो। अब जैसा ये कार्ड का कॉम्बिनेशन है, आप अगर आगे बढ़ते भी हो तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ये पर्सन जो है वो आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे। बहुत आसान नहीं होगा इनसे कम्युनिकेट करना, बहुत आसान नहीं होगा इनसे बात करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन मुझे आप दोनों के बीच में नजर आता है। इररिस्पेक्टिव कि अभी जो भी चल रहा हो, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है। आप उनको पसंद करते हो, वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं, और इसी वजह से सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तो भीड़ जनता जनार्दन उनके साथ है, उनको उनका जो माइंड है, शरीर यहाँ है, उन लोगों के बीच है जिन लोगों के बीच वो रहते हैं, बट जो माइंड है वो उन लोग आपके पास है, आपके वेट में है। मगर जितना कुछ आपने किया है अभी तक, वो चीजें उनको नहीं लगती हैं कि कुछ मतलब आपने किया है। आप अगर कहोगे कि मैम हमने तो इतने एफर्ट्स लगाए, अब हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो हम कैसे बात करें, या बात नहीं हो पा रही है, अलग अलग तरीके से लोग कॉन्टैक्ट तोड़ देते हैं, तो हम क्या करें भाई। अभी तक आपने जो भी किया है ना, ये पर्सन को ना एक्स्ट्रा चाहिए, हर चीज में इस पर्सन को एक्स्ट्रा चाहिए। इनकी उम्मीदें, इनके एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। अगर आपकी बात होती है तो डायरेक्टली मैं आपको कहूंगी कि आप इनको कोई एक ऐसा रास्ता, आप इनको ना थोड़ा स्पेशल फील कराओ, थोड़ा कुछ अच्छा फील कराओ इनको। इनसे घर वर पे मिलने की कोशिश मत करना, नहीं सक्सेस हो पाएगा, कहीं बाहर मिलने की कोशिश करें। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, यहाँ पे दोहरी एनर्जी आई है, तो दोनों में आपको बता देती हूँ। पहली है कि भाई ये पर्सन बाहर दुनिया को दिखाने के लिए एकदम वेन एंड गुड है, और बाहर की जिंदगी इनकी अच्छी चल भी रही है, कुछ मैरिज वैरिज टाइप का भी सिचुएशन मुझे नजर आता है, जो कि सबके लिए नहीं होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। किसी के लिए ट्रैवलिंग होगा, किसी के लिए मैरिज होगा, किसी के लिए प्रमोशन होगा, कुछ अच्छा इनके लाइफ में हुआ है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत अकेला लोनली फील कर रहे हैं, जिसके वजह से ये आपके पास वापस जाना चाहते हैं। मगर कोई ना कोई लोग हैं इस पूरे रिलेशनशिप में जो आपकी तरफ इनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो बीच में एक दीवार की तरह खड़े हैं, बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की तरह खड़े हैं। सो ये पर्सन अपना टाइम उन लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन लोगों के साथ इनको फैमिली टाइप का लगता है, अपने रिलेशनशिप को लेके ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग इनको जो सजेशंस दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सही दे रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इनको रिलेशनशिप में रहने नहीं दे रहे हैं। ये चाहते हैं, इनकी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे इंटेंशंस हैं, इमोशंस हैं, ये चाहते हैं कि आप कोई स्टेप लो, आप आगे बढ़ो। इनका माइंड बॉडी वेट
करता रहता है आपके लिए, मे बी ये नजर भी रखते होंगे आपके ऊपर। नजर रखने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली स्टॉक करें, ये आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन पे भी स्टॉक कर सकते हैं। आपके अभी तक के लगाए हुए एफर्ट्स इस पर्सन को नहीं नजर आ रहे हैं, तो आपको और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके और इनकी उम्मीदें पूरी करनी पड़ेगी, इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। सो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी। ओके सी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऐसे तो आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन मुझे नजर तो आ ही रहा है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो है, जिसके वजह से आप लोग पूरे सिचुएशन में एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आ रहे हो। बट दूसरी एक जो सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि आपको अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि किसी किसी के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी उनके पैसों के बारे में सोचे, मतलब आपके पैसों के बारे में सोचे हैं। तो मनी मैटर्स आप देख लेना कि अगर आपके पार्टनर मनी मैटर वाले जोन में हैं तो मेक श्योर कीजिए कि उस जोन में ना रहें और आप लोगों का रिलेशनशिप बस और बस इमोशंस पे चले। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सी जैसे इन्होंने लाइफ बना ली है, बाहर की जिंदगी बना ली है, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी के सिनेरियो में ये अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी कर पा रहे हैं, मगर आपसे ओवरऑल रिलेशनशिप में ही बहुत ज्यादा मुझे बोर्डम नजर आ रहा है कि इन ये ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीजों से। तो इनको हमेशा लाइफ में कुछ कुछ फन 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 चाहिए, बहुत वेट कर रहे हैं आपका, सब कुछ होते हुए भी वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी किसी के पार्टनर्स पैसों को लेकर के आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, शायद आपने फाइनेंशियली हेल्प किया हो। फैमिली के रिगार्ड्स में ये पर्सन सोच रहा है, आप दोनों के बीच में किसी की एनर्जी मुझे नजर आती है जो कि अकेलापन आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इन केस आप में से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो लेट्स गो ऑन टू आर नेक्स्ट पाइल विच इज आर सेकेंड पाइल। ओके तो एक्स्ट्रा कार्ड्स भी मैं निकालती हूँ, आपको पता है ही। सो देखते हैं कि सेकंड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं, नो कांटेक्ट ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। क्या सोच रहा है से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से ये ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है आपको लेकर के, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है आपको लेकर के। कंटिन्यूसली ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहेंगे, कंटिन्यूसली पास्ट के सिनेरियो सोचते रहेंगे, पास्ट की चीजें सोचते रहेंगे, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप दोनों के बीच में चीजें कैसे चली कैसे नहीं चली, ये सारी चीजें इनके माइंड में चलती रहती हैं। सी ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, बट ये इनके अंदर ना हिम्मत नहीं है एक्शन लेने वाली। ये उन लोगों में से हैं जो कि बस सोचते हैं, करते कुछ भी नहीं है। ओके तो इनके अंदर जो ये जो ब्रेकअप आया है ना, ये इनकी ही गलती के वजह से आया है, इनके ही प्रॉब्लम के वजह से आया, क्योंकि कोई डिसीजन ही नहीं लेगा पर्सन, क्योंकि एक रिलेशनशिप में तो है मगर कोई डिसीजन ही अगर नहीं लेंगे, कोई अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, ऐसे कैसे ये होगा। इनको बहुत ज्यादा डाउट भी है आप पे कि आप किसी और के साथ सेट हो चुके हो, या आपका कहीं और कुछ सिनेरियो चल रहा है, या आप किसी और के, तो एक मुझे शकी नेचर यहाँ पे लगता है। बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। ओके सो ये पर्सन कभी सोचता होगा बात करूं, कभी सोचता होगा बात ना करूं, फिर सोचता होगा बात करूं, फिर सोचता होगा बात ना करूं, बट इसमें ये बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं और बहुत दिमाग ना इनका एकदम नेगेटिव हो रखा है, एकदम नेगेटिव, मतलब कुछ भी पॉजिटिव ये अभी नहीं सोचते हैं। बहुत मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनका जो शक है आपके ऊपर वो सही है, चाहे वो जिस भी रिस्पेक्ट में शक कर रहे हो, बट ये आप पे शक तो कर रहे हैं। हर दिन इनके लिए डिफिकल्ट होता है,
मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी अपनी जिंदगी में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके लिए हर जो दिन है ना वो मुश्किल होगा। और आपसे थोड़ा इनको डर भी लगता है, ऐसी सी भी फीलिंग मुझे आ रही है कि मे बी अब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए, अब इनको वापस आने में डर भी लगता होगा कि भाई जाऊं तो जाऊं कैसे, कमिटमेंट इश्यूज है, कमिटमेंट की दिक्कतें हैं, ये पर्सन कमिटमेंट देने में बहुत नाटक करेगा, बहुत इश्यूज करेगा। तो एक राइट बैलेंस बना करके और अपने मन की बातें खोलना, ये आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, और जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक बहुत दिक्कत आएगी। ओके, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये पेशेंस तो रख ही रहे हैं, मगर पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इतना समय लो कि कोई एक्शन ही मत लो। ये बहुत बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि नो कांटेक्ट में चीज़ें बिगड़ती ही हैं, अच्छी नहीं होती हैं। ओके, तो ये धैर्य रख रहे हैं कि आप कोई एक्शन लोगे, या डर रहे हैं आगे बढ़ने से, कमिटमेंट देने से। एक शांति इनका मन नहीं बना पा रहा है, चीज़ें ऑर्डर में नहीं आ पा रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर हैं, चीज़ें बहुत मतलब एक कहते ना कि एक सिचुएशन हो जिसमें हाँ भी आपका और उनका सिचुएशन सही चल रहा हो, नहीं, चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि गलतियां तो हो चुकी हैं और अब ये गलतियां जो हैं वो आपके पार्टनर से संभाले नहीं संभल रही हैं, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे। ओके, बैलेंस किस चीज़ में नहीं बना पा रहे वो मैं आपको आगे देख के बताऊंगी। इनका मन, इनका सबकॉन्शियस माइंड, इनका कॉन्शियस माइंड हर टाइम आपके बारे में सोचेगा, हर टाइम बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। बट अब अगर कुछ करना नहीं है तो टेंशन में रह करके भी ये क्या ही कर सकते हैं, अगर टेंशन में है भी। ओके, सपोज आप एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो, ये टेंशन में है, मगर अगर ये एक्शन लेंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ओके, उनके टेंशन में होने से क्या फ़ायदा, क्या सही हो जाएगा, क्या सिचुएशंस करेक्ट हो जाएंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो करेक्ट हो जाएगा। ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ये बस बैठे रहना चाहते हैं और तमाशा देखना चाहते हैं। और इनके इसी नो एक्शन के वजह से, इनके नहीं बोलने के वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हैं। आज जो आप नो कॉन्टैक्ट पे हो, एकदम वेट कर रहे हो कि कभी रियूनियन होगा, कभी चीजें होंगी आप दोनों के बीच में, वो इस रीजन से भी है क्योंकि कभी इस पर्सन ने एक्शन लिया ही नहीं। ये पर्सन हमेशा हाँ ना हाँ ना में टाल मटोल करता रहा, और आज जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, या आपने जब कहा कि नहीं अभी तो एक्शन लेना पड़ेगा वरना एक्शन लिए बिना कुछ भी नहीं होगा, तो इस पर्सन की हालत जो है वो खराब हो गई। ओके, सो कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, हमेशा ही ये पर्सन कुछ 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 सोचता रहता है, कुछ 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 करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मतलब ना कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करते होंगे, इनके माइंड में इतनी थॉट्स चलते होंगे, इनका फिजिकल हेल्थ भी इस रीज़न से ख़राब हो गया होगा, काम में मन लगाने की कोशिश करते होंगे लेकिन मन कहीं और है तो मन तो लगने से रहा। ओके, ये तो होने से रहा कि ये मन लगा पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में जो हैं वो डिवोर्स या किसी कोर्ट सिचुएशन से होकर के गुजर रहे हैं, सो तैयार रहिएगा कि ये आपके लिए तो कोई एक्शन नहीं लेते हैं लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव्स आप देख सकते हो, क्योंकि ये पर्सन को ना कोई चलाकियां सिखा रहा है। ओके, कोई ना कोई, क्योंकि इनकी खुद की जैसी पर्सनालिटी है ना, इस टाइप के लोग ना कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इस टाइप के लोगों को दूसरे लोग बहुत ज्यादा बुद्धि देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई और है इस पूरे सिनेरियो में जो कि उनको लाइक सिखा रहा है या बता रहा है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आ तो चुकी ही हैं, कॉन्टैक्ट होने में डिफिकल्टीज बढ़ेंगी। ओके, तो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, या ये पर्सन नॉन कमिटमेंटल टाइप का, ये आपको कमिटमेंट देने से बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये इधर उधर भाग रहे हैं बिना ये सोचे कि इनके इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, इनको समय रहते हुए कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। सो इनको जो भी पर्सन
दिमाग दे रहा है या बुद्धि दे रहा है, वो पर्सन इनको बहुत चालाकियां भी सिखा रहा है। बिकॉज इस टाइप के लोग खुद से कोई एक्शन ले लें, खुद से कुछ कर लें, ऐसा नहीं होता है। खुद से इस टाइप के लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, डिसीजन नहीं कर सकते हैं। अब ये इतने नेगेटिव हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा, मतलब इनको कुछ समझ ही नहीं आता होगा, इनको कुछ पता ही नहीं चलता होगा क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें इन्हें समझ ही नहीं आती होंगी। ये गो विद द फ्लो कर रहे हैं, जो लोग कह दे रहे हैं, जो लोग समझा दे रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। एक सही सजेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्सन को। वो सही सजेशन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो में नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इश्यूज जो हैं वो बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई सही सजेशन नहीं देता है। इनको जो भी सजेशंस मिल रहे हैं वो नेगेटिव ही मिल रहे हैं, नेगेटिव करने के ही मिल रहे हैं। इनका माइंड बहुत बर्डेंड अप है, बहुत बर्डेंड अप। ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या करते हैं, ये यही जानते होंगे, ये यही समझते होंगे, क्योंकि ये मतलब लाइक लिटरली उस माइंड फेज में नहीं है जहाँ पे कि ये कोई डिसीजन ले सके। और ऐसे सिचुएशन में जो आपके साथ इनका नो कांटेक्ट हुआ है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है। क्योंकि आप एक राइट सजेशन एज अ पार्टनर, तो हम कभी भी किसी को, अपने पार्टनर को गलत सजेशन तो देते नहीं हैं। तो एक जो सही सजेशन जो पर्सन दे सकता था, वही पर्सन अब इनके लाइफ से बाहर है, वही पर्सन अब इनके सिचुएशन से बाहर है। तो ये सारे सिचुएशंस के वजह से ना आपके पार्टनर जो हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं जब हम इस एनर्जी पे आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ। इनके मन की अवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इनकी परेशानियाँ फॉर दैट मैटर कोई समझता भी नहीं होगा। इनको कोई राइट सजेशन देने वाला नहीं है, जो भी लोग सजेशंस देते होंगे वो गलत ही देते होंगे, और ये खुद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप आज के डेट में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स से होकर के गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में जो इतने इश्यूज आ गए हैं, ये नॉर्मल नहीं है। इतने जो प्रॉब्लम्स आ गए हैं ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इस टाइप के लोग इतने प्रॉब्लम्स देने वाले लोगों में से नहीं होते हैं। बट अब इनको इतनी चालाकियां सिखा दी जा रही हैं, इनके माइंड में इतना कुछ भर दिया गया है कि ये अपने ही लाइफ में क्या गलत होता है और क्या सही होता है, इसका सही डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। गलत पे गलत डिसीजन ले रहे हैं, जिसके वजह से गलत पे गलत रिजल्ट्स का इनको सामना करना पड़ेगा। एज अ पार्टनर आपको खोना इस टाइम में इनके लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर है, क्योंकि आपको खोना मतलब एक राइट सजेशन देने वाले पर्सन को खोना। इनको अगर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो या थोड़ी भी आपसे बात होती है, तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये चालाकियाँ इनकी खुद की नहीं हैं। तो आप दोनों मिलके इसको सॉल्व करने की जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि दूसरा कोई सॉल्व नहीं करेगा। दूसरा आप जिसको भी अंदर लेके आओगे वो आप लोगों के लिए हार्म ही करेगा, वो आप दोनों का पॉजिटिव नहीं करने वाला है। एक जो सबसे पहली नीड मैंने आपको बताई वो है इनको टेंशन से बाहर निकलने की। ये पर्सन टेंशन से बाहर निकलेगा तभी कोई राइट डिसीजन लेगा। अगर इन्होंने आपको चीट किया है किसी भी तरीके से, तब तो आप एकदम से ही दूर हो जाइए इस पर्सन से, एकदम से दूर हो जाइए। जो इनके अंदर है वो चीज़ें इनसे बाहर निकलवानी पड़ेंगी। अगर आप कोर्ट वगैरह में हो तो अभी डिसीजंस मत लो, क्योंकि इस पूरे रिलेशनशिप में रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
अभी अप डाउन चलेगा, ये पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचेंगे और कंटिन्यूअसली टेंशन में रहेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पाइल पे और देखते हैं कि जिन लोगों ने थर्ड पाइल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते हैं। तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ओके, इनका जो इन्होंने अपनी लाइफ तो खराब की ही, साथ में आपकी भी खराब कर ली और अब आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हुए हैं। बच्चे इन्वॉल्व हैं, खुशियां इन्वॉल्व है। आप इस पर्सन के साथ बहुत शायद खुश रहते थे, बहुत ज्यादा आप ओके तो बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार था। तो जब इस टाइप का प्यार चला जाता है, जब बहुत ज्यादा प्यार हो तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। ओके, तो आपने इस पर्सन को अपने पूरे मन से, पूरे अंतरात्मा से प्यार किया है। ओके, आपने इस पर्सन के साथ हर चीज शेयर करी है और इसीलिए आज आप एक ऐसे मेंटल स्टेटस में पहुंच गए हो जो कि आपने सोचा भी नहीं था कि कभी आप अपने जिंदगी में ऐसा महसूस करोगे जैसा आज के डेट में आप महसूस कर रहे हो। इन्होंने अपने इमोशंस पीछे रखे हैं। ओके, ये जो पर्सन है ना, ये अपने इमोशंस पे नहीं ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर अपने इमोशंस पे ध्यान दिया जाए। रियलिटी को नहीं देखना चाहते हैं आपके जो पार्टनर है, रियलिटी को नहीं देखना चाहते हैं। एकदम चुपचाप से शांति से बैठे हुए हैं। झूठ जो सामने भी आ जाता है उन चीजों को भी ये पर्सन नहीं देखते हैं या उन चीजों पे भी ये पर्सन नहीं फोकस करते। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना कि ये रिलेशनशिप था भी, ये पर्सन एकदम अंधा सा हो गया है। ओके, इतने प्यार होने के बावजूद भी, टू ऑफ कप्स का प्यार होने के बावजूद भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी इस मोहब्बत में, इसके बावजूद भी ये पर्सन एकदम अंधा सा हो गया है। ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं आपको लेकर के, ना ही आपके बात करने से कुछ बोलते हैं, ना ही आपके एफर्ट लेने से कोई रिस्पांस दिखाते हैं कि भाई आप कोई एफर्ट ले लो या ये कुछ कर दें, या चलो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही बोल दें, एकदम चुप, एकदम शांति। ओके, और उसके वजह से आपका जो मेंटल स्टेटस है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा। लिटरली आप इस पर्सन से बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा दुख में हो, आप अभी भी इस पूरे सिचुएशन में हो। एक तो आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके सी, ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को पता था, तो अब एक एम्बैरेसमेंट होता है ना। अब आपको लगता होगा कभी कभी कि और लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, या मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप था, अब ये जब ऐसे अप डाउन हो रहा है, अब तो अब क्या होगा। तो एक क्लैरिटी आपके माइंड में भी नहीं है। ओके, अभी ना आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। फॉर दैट मैटर इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, बावजूद इसके आप इनके बारे में इनकी बुराइयां तक नहीं सुन सकते हो। ओके, और इसके वजह से आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। ओके, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको इस सिचुएशन में ऐसा लगता होगा जैसे आप एकदम पावरलेस हो, कुछ भी नहीं कर सकते, और ये पर्सन डिस्टेंस बना रहा है धीरे 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 करके डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कि आपका माइंड पूरा मैसअप हो चुका है पूरे तरीके से। लाइक पीस कोई वर्ड होता है डिक्शनरी में, ये तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको लगेगा मैम ये आप क्या ही बोल रहे हो, मैं बहुत ज्यादा पेन में हूं। ओके, तो ये पर्सन धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि एक एक रिलेशनशिप को छोड़ करके ये आगे बढ़े, उससे आजादी पाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो दुख दर्द इनको मिला होगा या जो प्रॉब्लम्स इनके ऊपर आए होंगे, ये जनरल रीडिंग है, तो जिनके पार्टनर्स ने अगर कुछ प्रॉब्लम्स दिए होंगे या कहीं बाहर से भी प्रॉब्लम आई होंगी, तो जो भी दुख दर्द है उसको भूल करके मूव ऑन करने की कोशिश करें, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ओके, आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा है, मगर ये धीरे धीरे अपने लाइफ में कोशिश कर रहे हैं कि फिर से खुशियां वापस आए,
फिर से ये अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकें, स्टेबल कर सकें, मूव ऑन कर सकें, निकलने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, कि मेरे लाइफ में और ज्यादा ज्यादा पॉजिटिविटी आए उसके तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से ये ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को अलग 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 चीजों में इंगेज करना चाहेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में सोचना चाहेंगे, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में सोचना चाहेंगे, अपने लाइफ में अलग चीजों के बारे में देखना चाहेंगे, कुछ चॉइसेस रखेंगे, कुछ ऑप्शंस रखेंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देना, या पूरे सिचुएशन में अपने अपॉर्चुनिटी को देख के, अपने फायदे को देख करके जो ये पर्सन निकल गया है, तो ये पर्सन ने आपकी हालत पूरी खराब कर दी और खुद अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं होगा, और इन्होंने जो सोचा है ना कि 100 जगह दिमाग लगाने से 100 जगह से कोई रिजल्ट आने वाला है, नहीं, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे जैसे इनकी प्लानिंग चल रही है वो प्लानिंग फेल हो जाएगी. आप एक बार में 100 चीजों के बारे में आप तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, आपके पार्टनर एक बार में 10 चीजों के बारे में सोचे, 10 चीजों के बारे में एक बार सोचोगे ऑफ कोर्स सारे प्लान्स फेल कर जाएंगे. कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहा है, एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है. ये अपने असली प्यार को छोड़ करके उन लोगों की मदद कर रहा है जिन लोगों को इनको पता भी नहीं है कि उनको मदद की जरूरत है या नहीं है. ओके, सो असली प्यार जो एकदम ट्रू लव होता है ना, वो चीज छोड़ करके ये पर्सन जिस जर्नी पे निकला है, इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने पीछे क्या छोड़ा. इन्होंने पीछे एकदम से हीरा छोड़ दिया. मैं आपको सच बता रही हूँ, आप एक हीरे जैसे, इन्होंने एक हीरे जैसे पार्टनर को पीछे छोड़ करके ये जो डिसीजन लिया, ये बहुत गलत किया है, क्योंकि आप इनको इतना ज्यादा प्यार करते थे कि आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं अपने जिंदगी में ऑप्शंस लेके आऊं. ये फॉर दैट मैटर अगर कुछ टाइम बाद ना ये कोशिश करेंगे कि कुछ नए लोगों से या नए फ्रेंड्स से बात वगैरह भी करें, ये ऑप्शंस आपको भी मिलेंगे मगर आप नहीं करोगे. ओके, सो ये वेटिंग एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वेट नहीं कर रहे हैं, ये अपना लाइफ सेट करने में बिजी हैं. मगर मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि अपनी लाइफ सेट नहीं कर पाएंगे. जो कार्ड्स रिवर्स में है मैं रिवर्स में ही रीडिंग करूंगी. ओके, बस आपके देखने की सुविधा के लिए मैं उसको सीधा रखूंगी. सो ये ना अपने लाइफ में जिस हिसाब किताब का सोच रहे हैं कि इनके इनके प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे, इनकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो चीजें नहीं होने वाली हैं, उनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है. सब कुछ इनको मिल के छूट जाएगा, और वो बस एक ही रीजन है, कर्मा. क्योंकि इनके जाने के बाद आपकी जो हालत हुई है वो लिटरली डिजास्ट्रस है. ओके, इन्होंने जो रिलेशनशिप छोड़ा है वो बस एक रिलेशनशिप नहीं कह सकते, वो बस ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ बस एक रिलेशनशिप छोड़ा. आप इन पे इतना एफर्ट लगाते थे, आप इन पे इतना मेहनत करते थे, इन्होंने कभी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया और ये सिचुएशन छोड़ के चले गए, निकल गए. कंपेयर करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, इग्नोर करते हैं. तो ये सब कुछ जो ये आपके साथ कर रहे हैं ना, इसका कर्मा उनको लेना पड़ेगा, और इसका रिस्पॉन्स जो है वो आप प्रेजेंट डे में कुछ नहीं दे पा रहे हो. आप अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो. आपने इतनी मेहनत कर रखी है ना कि अब आपको ये भी नहीं पता चलता होगा कि आप करूँ क्या, बचा क्या है करने को, कि करके उस चीज को मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लूं, ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, मेरी बातें सुनने लगे. आप पीछे भाग भाग के थक चुके हो, अब आपका मन भी नहीं करता होगा पीछे भागने का, इतना टेंशन लेने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, अब आपका नेचर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कि आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मैं तो ऐसे भी बुरे हालत में हूं. ओके, आप तो वैसे भी बुरे हालत में हैं. तो ये पर्सन जो नो कांटेक्ट में, ये अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहा है. इनको आपकी अवस्था, आपका मनो, आपकी मनोदशा नहीं नजर आती है. ये अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें ये अपना समझते हैं. इन्होंने
आप देखिए यहाँ पे नो कांटेक्ट हुआ, आप अकेले रह गए, बट इन्होंने अपने अराउंड लोग जमा कर लिए, अपने लिए लोग जमा कर लिए और अपने लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश करने लगे, ये ड्रीमी दुनिया में जीने लगे इन्होंने। अब वही होता है, स्वप्न देख रहे हैं, असली प्रेम छोड़ करके ये पर्सन स्वप्न देख रहा है, असली प्रेम तोड़ करके, असली प्रेम में डिजास्टर ला करके ये स्वप्न देख रहे हैं। मामाज बॉय या मामाज गर्ल होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे बनते हैं। सो दिस पर्सन इज लाइक बीइंग वेरी वेरी नेगेटिव फॉर यू, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मुझे इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के नजर आती है। और मैं तो आपको यही कहूंगी कि आपको प्रेजेंटली हील करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप हील नहीं करोगे ना तो आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करो। सी ये पर्सन अपने लोगों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है, आप भी अपने लोगों की बात सुनने की कोशिश करो। हील नहीं करोगे तो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि इस पर्सन को पता ही नहीं चल रहा है कि इन्होंने तोड़ा क्या है, इन्होंने छोड़ा क्या है, इन्होंने टू ऑफ कप्स वाले पार्टनर को छोड़ा है। जब इन्हें रियलाइज होगा ना तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ऑप्शंस आपको भी मिलेंगे मगर आप ऑप्शंस नहीं लोगे। ये पर्सन अपने लाइफ सेट करने के लिए, अपनी चीजें सही करने के लिए निकल गया और आपको ऐसी हालत में छोड़ गया कि आज आप आगे कुआ पीछे खाई वाले सिचुएशन में हो। टेक हेल्प, आपको भी किसी ना किसी के हेल्प की जरूरत है, आप हेल्प लीजिए। मामाज बॉय या मामाज गर्ल है तो रहने दीजिए, सुनने दीजिए उन्हीं की बातें, कोई बात नहीं। ऐसे भी जिस पर्सन के खुद के स्टैंड्स नहीं होते ना उनके साथ ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। ऑप्शंस देख रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपने लाइफ में इमोशंस को थोड़ा पीछे छोड़ करके पॉजिटिविटी पे जाने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जो लास्ट पाइल जिन लोग सुन रहे थे उनको मैं हील करने का सजेशन दूंगी मैं। अगर आपने ऐसा पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो इस रिगार्ड में तो आप ले सकते हो, अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स हीलिंग्स भी करती हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है 8102397772 उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।